वेरी ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग टू क्लास 10 बायोलॉजी स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. एज वी नो ड्यू टू द मिसयूज ऑफ वाटर ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर और द पोरिंग ऑफ वाटर डायरेक्टली इन टू द ड्रेन्स और इन द रिवर्स विदाउट द ट्रीटमेंट द वाटर इज नाउ इट इज गोइंग टू डिक्रीज इट स्पेशली द ड्रिंकेबल वाटर. सो देर इज अ नीड बिकॉज अवर कंट्री इज रिसीविंग अ गुड अमाउंट ऑफ मानसून. सो रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड और कैश्ड एंड कन्वर्टेड इन टू द ग्राउंड वाटर बाई यूजिंग द डिफरेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन आवर इंडिया. इन रूरल कंट्री बेसिकली इन रूरल एरियाज बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, उसको हार्वेस्ट करने के लिए. जिनमें से कुछ कॉमन मेथड्स हैं कि गड्ढे बना लिए जाते हैं, इससे छोटी छोटी लेक तैयार कर ली जाती हैं, छोटे छोटे मिट्टी के डैम तैयार कर लिए जाते हैं, लॉन्ग वॉल्स वाली जो अर्थ है वो प्रिपेयर कर ली जाती है वाटर को ट्रैप करने के लिए, चूने के मिट्टी के जो हैं वो रूफ टॉप बनाए जाते हैं जिनसे वाटर कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट यूनिट्स में. इट मीन्स डिफरेंट एरियाज जो हमारे कंट्री के वहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं जैसे कि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाए, जिनमें से एक आपका जो सिस्टम है उसको कहते हैं हम खादिन सिस्टम या फिर बंद सिस्टम. खादिन सिस्टम की खास बात है काफ़ी बड़े एरिया में 100 मीटर से लेकर 300-400 मीटर एरिया में एक पूरा मिट्टी का बना एक एम्बैकमेंट एक बंद एरिया तैयार किया जाता है जहाँ से कैचमेंट एरिया से स्लोपी एरिया से पानी कलेक्ट होकर बीच में जो गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर बनाई हुई है जिसको हम खादिन बोल रहे हैं वहाँ पर कलेक्ट होता है. जब यहाँ पानी एक्सेस में हो जाता है तो यहाँ से पानी निकलकर आसपास छोटे छोटे छिछले और शैलो डग बनाए वो सॉरी कुएँ बनाए जाते हैं वेल बनाए जाते हैं उनमें पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है. इस तरह से जितना वाटर इसमें आ सकता है बंद एरिया में वहाँ आ जाता है और बाकी का जो एक्सेस में वाटर होता है इन पाथवेज से निकलकर जो शैलो वेल्स बनाए हुए हैं वहाँ पर आ जाता है. यहाँ से पानी रिस्केट में सीप होकर ग्राउंड में चला जाता है, सॉइल उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्राउंड वाटर बन जाता है. और इस तरह से ये जो शैलो वेल्स बनाए गए हैं यहाँ पर भी पूरा जो पानी है वो सीप होकर किस पर चेंज हो जाता है ग्राउंड वाटर में. और ये पूरी जो पूरी लैंड है वो इतनी मॉइस्चरस लैंड हो जाती है कि आसानी से बाद में इस पे इसमें जो है वो क्रॉप्स जो है वो ग्रो करी जा सकती हैं. इट मीन्स वाटर कलेक्ट हो गया आपका सीप हो गए वो ग्राउंड वाटर में भी चेंज हो गया और आपकी जो लैंड थी जो कि आप आसानी से जिस पर प्लांट्स क्रॉप्स नहीं उगा सकते थे वो भी इतनी मॉइस्चरस हो गई कि आसानी से वहाँ पर आप क्रॉप भी डेवलप कर सकते हो. इसके बहुत सारे जो है वो फ़ायदे भी हैं कि वाटर ग्राउंड में जो स्टोर है वो इतनी आसानी से एवेपोरेट नहीं होता. दूसरी बात वेल भी आपके रिचार्ज हो रहे हैं और जो आपका एरिया है वो यूज़ होने के बाद पानी यूज़ होने के बाद क्रॉप के लिए भी आप यूज़ कर रहे हो क्योंकि ये थोड़ा बहुत बहता हुआ पानी एकदम इकट्ठा नहीं होगा इसलिए यहाँ पर मस्क्यूटोज भी ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे कोई क्योंकि ऐसे एरिया में बनाया जा रहा है काफ़ी स्लोपी एरिया में कि कोई भी ह्यूमन या लोकल पॉपुलेशन या कोई एनिमल इसको कंटामिनेट नहीं कर सकता और लोकल पॉपुलेशन के लोग जो हैं वो उसको यूज़ भी कर सकते हैं. तो ये खादिन सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है बेसिकली रूरल एरियाज़ में वाटर को प्रिजर्व करने के लिए रेन वाटर को प्रिजर्व करने के लिए. सेकेंड हमारे पास जो सिस्टम है वो है अर्बन एरियाज़ का सिस्टम. हम जानते हैं कि अगर हम एक कंपैरिजन क्रिएट करें अर्बन और रूरल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में काफ़ी सॉइल होती है जिससे जो एब्जॉर्प्शन है जो सीप होकर जाता है रेन वाटर का पानी वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, मेटल रॉड्स के बने हुए आपके घर हैं या फिर ये कहो कंक्रीट की जगहें हैं, सॉइल का कंटेंट बहुत कम है इसलिए बहुत कम रेन वाटर सीप होकर नीचे जा पाता है और रेन वाटर में चेंज हो पाता है. इसीलिए जो आपके अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरह के सिस्टम्स डेवलप करे जाते हैं कि पूरी कंक्रीट की स्लैब बनाई जाती है जहाँ भी आसपास में पानी होगा वो पूरा पानी बिल्डिंग्स का जहाँ का भी वो इकट्ठा होकर इस कंक्रीट की स्लैब में होकर छन कर जाएगा और छनने के बाद ये जो तीन लेयर्स हैं आपकी इनमें से होकर गुजरेगा. इस पिट को इस खाली जगह को कहते हैं हम परकोलेशन पिट क्योंकि पानी जब जाएगा तो उसमें जितनी इम्प्योरिटी होंगी वो इन तीन लेयर से मैं सारी मिक्स हो जाएंगी और पानी आपका बहुत हद तक प्योर हो जाएगा. यहाँ से ये पानी एक पाइप के थ्रू जिसको आउटलेट पाइप कहते हैं अब वो नीचे ग्राउंड में जाएगा. ग्राउंड में पूरी कंक्रीट की स्लैब बना रखी है. जैसे ये पानी यहाँ से परकोलेट होकर नीचे जाता है, नीचे क्या होती है सॉइल की सरफेस होती है, ये पानी धीमे धीमे रेन वाटर का सीप होकर सॉइल में नीचे एब्जॉर्ब करेगी और वो किस में चेंज हो जाएगा आपका ग्राउंड वाटर में. इट मीन्स ये तरीका है एक एडवांस मेथड है कि जितने बड़े बड़े एरियाज हैं वहाँ पर इस तरह का हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि जितना भी पानी आपका वेस्ट जा रहा है रेन वाटर जो है वो सारा यहाँ कलेक्ट होकर प्योरीफाई होकर वो साथ साथ में किस में चेंज हो रहा है आपका ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. तो कैसे इसको आप मेंटेन करेंगे, कहीं
कहीं भी बिल्डिंग के आसपास जहाँ भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर बहुत एक्सेस में जो है वो रेन वाटर कलेक्ट हो सकता है, वहाँ पर इस तरह के परकुलेशन पिट्स बनाएंगे जिनमें कंक्रीट की एक स्लैब डली होगी। जब पानी यहाँ से आएगा तो इससे परकुलेट होकर नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद जो डिफरेंट लेयर्स हैं आपकी सॉइल की वो जो है उसमें से पानी परकुलेट होकर उनके होल्स में से कहाँ जाएगा आपका कंक्रीट के स्लैब में, कंक्रीट के स्लैब में से होकर पानी जो है वो कहाँ जाएगा आपकी सॉइल सरफेस में नीचे जो प्रेजेंट है, और सॉइल में से सीप होकर वो कहाँ चला जाएगा ग्राउंड में, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड वाटर। सो दिस इज़ द टुडे टॉपिक। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे।